हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं वीरज दुबे स्वागत करता हूं आप लोगों का हमारे इस YouTube चैनल सिलेक्शन मेंटर में। दोस्तों, जैसा कि मालूम है कि डेली हम लोग शाम को 7 बजे जनरल स्टडी की जो क्लासेस हैं वो करंटली चल रही हैं, रेगुलर बेसिस पे चल रही हैं, लेकिन कल उसमें कुछ इंटरनेट इशू आ गया था, इसकी वजह से वो क्लास नहीं हो पाई थी, लाइव नहीं हो पाई थी। तो डेली हम लोगों की क्लास जो है वो लाइव होती है 7 बजे शाम को, और उसी जो क्लास इंटरप्ट हो गई थी, नहीं हो पाई थी कल, उसी क्लास को आज हम यहाँ पे ऑन रिकॉर्ड वीडियो जो है वो देखेंगे और आप तक ये जो चैप्टर है वो पहुँचाएंगे, जिससे कि आपका कोई भी सिलेबस वो छूटने ना पाए। तो चलिए, हम लोग क्या पढ़ रहे थे कल जो नहीं हो पाया था, अनफॉर्चुनेटली जो है वो पूरा नहीं हो पाया था, तो उसके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे हम लोग कल पढ़ रहे थे इंपॉर्टेंट थ्योरीज रिलेटेड टू द यूनिवर्स, और दोस्तों इसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले भी पढ़ रखे हैं। 3 थ्योरीज बेटा हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। पहली थ्योरी हम लोगों ने पढ़ी थी जिसको हमने बोला था जियोसेंट्रिक थ्योरी। क्या बोला था? जियोसेंट्रिक थ्योरी के बाद दूसरी थ्योरी जो हम लोगों ने पढ़ी थी वो थी हमारी, जियोसेंट्रिक थ्योरी के बाद जो दूसरी थ्योरी थी हमारी, उसको हम लोगों ने पढ़ा था हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, HELIO, हेलियोसेंट्रिक सेंट्रिक थ्योरी। तो ये 2 थ्योरीज हो गई। उसके अलावा एक और थ्योरी हम लोगों ने पढ़ी थी, थर्ड वन वॉज थ्योरी ऑफ एक्सपेंशन। तो थ्योरी ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स, 3 थ्योरीज पढ़ी थी। इनके प्रोपाउंडर्स जो हैं उनके नाम भी हम लोगों ने पढ़े थे। ये दी गई थी मिस्टर टॉलमी के द्वारा, मिस्टर टॉलमी। ये वाली जो थ्योरी दी गई थी ये मिस्टर कोपरनिकस के द्वारा दी गई थी, और ये वाली जो थ्योरी थी ये दी गई थी जॉर्ज हब्बल जी के द्वारा। तीनों थ्योरीज में अलग अलग बातें कही गई। पहले वाला जो थ्योरी था उसमें बोला गया था कि जो हमारा सन है, जो हमारी अर्थ है, वो पूरे यूनिवर्स के सेंटर में है और सारी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन दूसरी जो थ्योरी थी जिसमें निकोलस कोपरनिकस ने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि सेंटर जो है वो सन है, सेंटर में सन है और अर्थ जो है वो सन के चारों ओर चक्कर लगा रही है, और उन्होंने ये बताया ना सिर्फ अर्थ बल्कि बाकी ऑब्जेक्ट जो है वो भी चक्कर लगा रहे हैं। फिर थर्ड जो थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ एक्सपेंशन जो था, इसको इसमें बताया गया कि प्लान, ये जो जॉर्ज हब्बल हैं इन्होंने अपने टेलीस्कोप के माध्यम से देखा, और टेलीस्कोप के माध्यम से देख करके इन्होंने गैलेक्सीज के क्रम को और उनकी रेड शिफ्टिंग को निहारते हुए देखते हुए ये एनालिसिस किया और बताया कि जो गैलेक्सीज हैं वो एक दूसरे से धीरे धीरे करके दूर जा रही हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी कैन से द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग रैपिडली। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ तक हमने कल डिस्कशन कर लिया था, पहले की क्लास में लाइव क्लास जो हुई थी उसमें डिस्कस कर लिया था। इसी के आगे हम लोगों को कंटिन्यू करना है और आज नेक्स्ट थ्योरी हम लोगों को पढ़नी है। तो जो अगली थ्योरी है उसकी हेडिंग डाल दीजिए द बिग बैंग थ्योरी। नेक्स्ट जो है, जो अगला जो थ्योरी हम पढ़ेंगे इस क्रम में वो है द बिग बैंग थ्योरी, द बिग बैंग थ्योरी। देखिए, द बिग बैंग थ्योरी जो है इसको हम लोग हिंदी में महाविस्फोट सिद्धांत भी कहते हैं, महाविस्फोट सिद्धांत। इसको हिंदी में महाविस्फोट सिद्धांत बोला जाता है, द बिग बैंग थ्योरी बोला जाता है। और बिग बैंग थ्योरी जो है इसके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम आपको बताना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपको ये मैं बता दूँ कि इस थ्योरी को के जो प्रोपाउंडर हैं उनका नाम है जॉर्ज लेमंतर। तो जॉर्ज लेमंतर जो हैं वो इस थ्योरी के प्रोपाउंडर माने जाते हैं। प्रोनंसिएशन में और स्पेल में कुछ भी आप लिख सकते हैं, बस थोड़ा सा आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि जॉर्ज लेमंतर है ये। जॉर्ज लेमंतर ने इसके बारे में 1920 में काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए और विधिवत रूप से सारे एक्सप्लेनेशन जो है 1927 तक उन्होंने किए। तो कहा जा सकता है कि 1920 से लेकर के 1927 तक, बिटवीन 1920 टू 1927, जॉर्ज लेमंतर वेल एक्सप्लेन अबाउट दिस थ्योरी दैट इज़ बिग बैंग थ्योरी। और इसमें क्या है, इसमें जरा हम लोग देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, आप लोगों ने थ्योरी ऑफ एक्सपेंशन देखा और उसमें मैंने आपको बताया कि गैलेक्सीज आर गोइंग फार फ्रॉम ईच अदर। लुक हियर, इफ दीज आर द गैलेक्सीज, दीज आर द 4 गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स, देन अकॉर्डिंग टू द बिग बैंग थ्योरी, सॉरी थ्योरी ऑफ एक्सपेंशन, दीज आर गोइंग फार फ्रॉम ईच अदर, सो दैट द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग लाइक दिस। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि यूनिवर्स जो है वो इस तरीके से फैल जाएगा अगर ये गैलेक्सीज इस पॉइंट ऑफ मोड में, पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो, अगर ये मूव कर रहे हैं तो ये लगातार कंटिन्यूअसली हो रहा है, तो ये यूनिवर्स फैलता ही जा रहा है। अब इसके बारे में यहाँ तक यदि अगर बात को सत्य मान लिया जाए,
ये मान लिया जाए कि ये जो थ्योरी ऑफ एक्सपेंशन है दैट इज ट्रू, देन डेफिनेटली अगर हम इसको रिवर्स ऑर्डर में देखेंगे तो रिवर्स ऑर्डर में मान लेते हैं एज लाइक कि अवर यूनिवर्स इज टुडे हियर, अगर यहाँ पर है आज हमारा यूनिवर्स, तो एक दिन पहले या कुछ समय पहले ऐसा रहा होगा, उसके कुछ समय पहले यूनिवर्स इस अवस्था में रहा होगा। अगर हम कोई चीज़ फैल करके यहाँ तक आ गई है तो इसका मतलब वो पहले पास में रही होगी, तभी तो फैली है, तभी तो एक्सपेंड हुई है। तो यहाँ पर यही चीज़ मैं दिखा रहा हूँ कि ये जो है, अगर आज यहाँ पर ब्रह्मांड है तो पहले ऐसा रहा होगा, उसके पहले ऐसा रहा होगा, उसके पहले और ये पास में गैलेक्सीज रही होंगी, इसके पहले ये गैलेक्सीज और ज़्यादा पास में रही होंगी, और इस तरीके से पास में आने का अंतिम क्रम क्या हो सकता है, लास्ट क्रम क्या हो सकता है इसके पास में आने का, तो लास्ट क्रम ये होगा कि ये एक जगह पर चार के चारों स्थित रही होंगी, तो ये एक पॉइंट रहा होगा। तो बस यहीं से बिग बैंग थ्योरी का शुरुआत होता है। बिग बैंग थ्योरी में इसको पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी कहा गया है, पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी इसको बोला जाता है भैया, पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी हिंदी में बोलते हैं विलक्षणता का बिंदु। तो यहां पर अब समझने वाली बात क्या है, यहां पर समझने वाली बात यह है कि दिस इज अ पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी बाय विच अवर यूनिवर्स हैज बीन क्रिएटेड आफ्टर एन एक्सप्लोजन दैट इज कॉल्ड बिग बैंग, बिकॉज दिस यूनिवर्स इज वेरी बिग, सो It could be imagined that bang was very big. अब ये जो point of singularity है, इस point of singularity को हम ये कह सकते हैं, इन्होंने further explain किया और ये बताया कि ये जो point of singularity है, ये it is an atom, या कह सकते हैं ये एक ऐसा atom है जिसको हम लोग primitive atom के रूप में जान सकते हैं। It was one of the most important primitive atom which has the highest density, and that's because of having highest density ये जो big bang है ये हुआ, उसका reason ही यही है। देखिए आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यदि अगर हम किसी गुब्बारे में, किसी बैलून में यदि अगर हम फूंक मार के हवा भरते रहें या कुछ भी उसमें भरते रहें, पानी वगैरह कुछ भी भरते रहें, तो उसका आयतन लगातार बढ़ता जाएगा, वॉल्यूम जो है वो लगातार बढ़ता जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ उसमें जो हम जैसे वायु है, एयर है, उसका जो डेंसिटी है वो भी इंक्रीज करते चल रहे हैं, तो डेंसिटी इंक्रीज होने की एक लिमिट होगी, वो आयतन बढ़ने का एक लिमिट होगा, फिर वो बढ़ नहीं पाएगा, डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इससे जो कैपेसिटी है वो कहीं ना कहीं बैलून की समाप्त हो जाएगी और बैलून ब्लास्ट हो जाएगा, और जब बैलून ब्लास्ट हो जाएगा तो उसके मतलब चिथड़े उड़ जाएंगे, उसके अंदर के जो मटेरियल्स हैं वो एक्सप्लोड हो जाएंगे, वो फैल जाएंगे चारों तरफ। ऐसा बिलीव किया जाता है कि बिग बैंग थ्योरी में भी ऐसा ही हुआ और ब्रह्मांड का निर्माण इसी तरीके से होता है। फिर आगे चल करके न्यूटन ने और दूसरे सारे लोगों ने इस थ्योरी का काफ़ी सपोर्ट किया, जिसमें ये बताया गया है कि एक प्रिमिटिव पार्टिकल में विस्फोट होने के कारण ही ये जो पूरा ब्रह्मांड उसका निर्माण हुआ, और उसके बावजूद भी सबसे पहला एलिमेंट जो क्रिएट हुआ दैट कुड बी हाइड्रोजन, शायद वो हाइड्रोजन ही रहा होगा, और इसी वजह से आपने पीरियोडिक टेबल में देखा होगा हाइड्रोजन का स्थान सबसे पहले नंबर पर है, ये भी बात भी है। तो हाइड्रोजन जो है वो सबसे पहला तत्व था जिसे निर्मित किया गया, और हाइड्रोजन जैसे जैसे संकुचित होता चला गया, कंसंट्रेट होता चला गया एक जगह पर, वैसे ऐसे बहुत सारे हाइड्रोजन के एक जगह पर कंसंट्रेट हो जाने से स्टार का निर्माण हुआ, तारों का निर्माण होना शुरू हुआ। और आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि यूनिवर्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के रूप में अगर देखा जाए तो स्टार्स होते हैं, और कहीं ना कहीं ये बेसिक स्ट्रक्चर हैं पूरे यूनिवर्स के। क्यों? क्योंकि इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अवर सोलर सिस्टम, देन द इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज स्टार, दैट इज सन। तो ये आप ऐसे समझिए, अगर चाहे आप सोलर सिस्टम की बात कर रहे हो, चाहे आप गैलेक्सीज की बात कर रहे हैं, गैलेक्सीज आर ऑल्सो द ग्रुप ऑफ स्टार्स, या आप किसी दूसरे बड़े सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हो, कहीं ना कहीं वो तारों के ही टुकड़े या अंश के रूप में होते हैं। एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स जो है वो ब्रह्मांड में कई सारे तारे हैं, तो ये माना जा सकता है कि ये प्रक्रिया काफ़ी इंपॉर्टेंट रही होगी। सो बिग बैंग थ्योरी का मानना जो है वो काफ़ी आसान हुआ लोगों का, और बिग बैंग थ्योरी को ब्रह्मांड का कहीं ना कहीं माना जाता है कि उत्सर्जन की ये सबसे सटीक थ्योरी है। हालांकि इसको भी कई सारे लोगों ने चैलेंज किया है। तो आपको क्या समझ में आया बिग बैंग थ्योरी के बारे में? पहला पॉइंट कि ये वो थ्योरी है जिससे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, ये सबसे सर्वाधिक मान्यता वाली थ्योरी में से एक है। इसको जॉर्ज लेमंतर के द्वारा प्रोपाउंड किया गया था 1920 से 27 के बीच में, और इनका कहना है द यूनिवर्स हैज क्रिएटेड फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी। आप लिख सकते हैं पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी से यूनिवर्स जो है वो क्रिएट किया गया है, और इसी को हम लोग बोल सकते हैं कि ये प्रिमॉडरल एटम रहा होगा जिससे ये
यूनिवर्स जो है वो क्रिएट हुआ है, इसके बारे में आपको अच्छी तरीके से मैंने बिग बैंग थ्योरी के बारे में बता दिया। नेक्स्ट जो है थ्योरी, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अगली थ्योरी कौन सी है? चार थ्योरीज हो गई बेटा यहाँ पर देखिए, अभी तक बिग बैंग थ्योरी जो है ये फोर्थ वन थी, और फिफ्थ वन की तरफ जरा मूव करते हैं। ये एक और बड़ी चैलेंजिंग थ्योरी है, बहुत ही अच्छी कह सकते हैं, अच्छा सिद्धांत है, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ संबंध रखता है ये बिग बैंग थ्योरी से। सो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, स्टीडी स्टेट थ्योरी। स्टीडी मतलब होता है साम्यावस्था, स्टीडी स्टेट थ्योरी। यहां पर लिखेंगे स्टीडी स्टेट थ्योरी। स्टीडी स्टेट का मतलब होता है साम्यावस्था। स्टीडी स्टेट थ्योरी ऑफ यूनिवर्स, स्टीडी स्टेट थ्योरी ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड के साम्यावस्था का सिद्धांत। साम्यावस्था का सिद्धांत, ब्रह्मांड की साम्यावस्था का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कह सकते हैं स्टेडी स्टेट थ्योरी ऑफ यूनिवर्स। देखिए इसमें क्या है, स्टेडी स्टेट थ्योरी जो है ये बेसिकली अगर देखा जाए तो हार्मन बॉन्डी के द्वारा प्रोपाउंड करी गई थी, लेकिन इसमें सहयोग और भी दो साइंटिस्ट ने किया था। तो किनके द्वारा प्रोपाउंड की गई है? हार्मन बॉन्डी, HARMANN, हार्मन बॉन्डी। परंतु हार्मन बॉन्डी के साथ साथ स्टीडी स्टेट थ्योरी में अगर देखा जाए, 1948 में इस थ्योरी को बहुत ही फेम मिला, 1948 में, 1948 में भारत की आज़ादी के बाद एक साल का ही अवसर है यहाँ पर। और हार्मन बॉन्डी के साथ साथ यहाँ पर थॉमस गोल्ड और फ्रेड होयल भी शामिल थे। थॉमस गोल्ड और फ्रेड होयल ये भी शामिल थे। इन लोगों ने एक सिद्धांत बताया, और इन्होंने बताया कि यूनिवर्स एक्सपेंड तो हो रहा है। देखिए यहाँ पर इस ये जो हम लोगों ने इसके पहले जो एक थ्योरी पढ़ी, थर्ड जो थ्योरी पढ़ी थी, थ्योरी ऑफ एक्सपेंशन, अगर हम इसकी बात करते हैं तो थ्योरी ऑफ एक्सपेंशन में कुछ सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं, जिसके जवाब कहीं ना कहीं ये थ्योरी ढूंढने का प्रयास करती है। देखिए थ्योरी ऑफ एक्सपेंशन में क्या कहा गया कि यूनिवर्स जो है वो लगातार अपनी अवस्था में परिवर्तन करता जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, और इससे कंक्लूजन क्या निकलता है? Yet the universe is expanding, it means the density of the universe, could be changed. इसको बदल जाना चाहिए और वो कम होते चले जाने चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं पहले काफ़ी हद तक यहाँ पर मॉलिक्यूल्स काफ़ी पर यूनिट एरिया में काफ़ी कम दूरी है, उसके बाद यहाँ पर ये दूरियाँ बढ़ जाती हैं, यहाँ पर ये दूरियाँ और बढ़ जाती हैं इन्हीं चारों मॉलिक्यूल्स की, यहाँ पर इन्हीं चारों मॉलिक्यूल्स की दूरियाँ और बढ़ जा रही हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जैसे जैसे ब्रह्मांड फैल रहा है, वैसे वैसे इसमें जो कह सकते हैं कि जो डेंसिटी है इसका, जो घनत्व है, वो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, वो घनत्व कहीं ना कहीं घटता जा रहा है। अब बात यहाँ पर ये आती है कि अगर घनत्व जो है वो घटता जा रहा है, तो ऐसे में तो कहीं ऐसा होगा कि जो गैलेक्सीज हैं ये एक दूसरे से के संबंध से टूट जाएंगी, फ्री हो जाएंगी, और रेंडमली इधर उधर पूरे यूनिवर्स में वो मूव करने लगेंगी। तो यहाँ पर आपको समझना जरूरी है कि अगर ऐसा हो गया तो यूनिवर्स में पूरा उथल पुथल मच जाएगा, जबकि यूनिवर्स देखने में काफ़ी काम बिल्कुल शांत दिखाई देता है, और सब चीज़ें अपने आप में स्टैटिक दिखाई देती हैं, हर जगह पर स्थित दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर स्टेडी स्टेट थ्योरी ये कहती है कि जब ये एक्सप्लेन हो रहा है, जब ये एक्सपेंड हो रहा है, तो एक्सपेंड होने के साथ साथ कुछ जैसे मान लेते हैं कि ये एक गैलेक्सी है, सपोज दैट यहाँ पर ये एक मान लेते हैं कि ये एक ऐसा आकार है जिसमें कुछ गैलेक्सीज हैं, ये गैलेक्सीज हैं, चार पांच गैलेक्सीज हैं, सपोज चार या पांच गैलेक्सीज मैं यहाँ पे बना ले रहा हूँ, ठीक है। अगर इसको एक्सपेंड करना होगा हमें, तो कुछ समय बाद ये एक्सपेंड होकर के यूनिवर्स जो है वो एक्सपेंड हो गया, और इसमें गैलेक्सीज जो है वो एक दूसरे से दूर हो गई। तो आप देख सकते हैं आराम से कि इसका जो कहीं ना कहीं डेंसिटी है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। डेंसिटी क्या हो गया, वो इंक्रीज कह रहे हैं, सॉरी डिक्रीज हो गया। उसके बाद यहाँ पर एक और अगर हम बड़ा सा यूनिवर्स बना दें, तो यहाँ पर हमें देखने को क्या मिलेगा कि ये दूरी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो ये तो थ्योरी ऑफ एक्सपेंशन का है मानना, और ये एक गलत कह सकते हैं कि एनालिसिस है। इसको सही करके स्टेडी स्टेट थ्योरी में हार्मन बॉन्डी ने क्या बताया
कि ये अवस्था तो हो रही है, यूनिवर्स तो एक्सपेंड हो रहा है, लेकिन यूनिवर्स एक्सपेंड होने के साथ साथ नंबर ऑफ गैलेक्सीज जो है वो क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है। नंबर ऑफ गैलेक्सीज बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है कि इनके बीच में जो डिस्टेंस है, गैलेक्सीज के बीच में जो डिस्टेंस है वो अनचेंज्ड हो गया है। और जब वो अनचेंज्ड हो गया है तो इसका मतलब क्या हो गया कि नंबर ऑफ गैलेक्सीज क्या हो गई, बढ़ गई। इसका मतलब ये हुआ कि गैलेक्सीज में नए, जो यूनिवर्स में जो नई गैलेक्सीज है उनका जन्म होता जा रहा है। अब आप देखेंगे यहाँ पे और यहाँ पे ऑलमोस्ट डेंसिटी जो है वो सेम हो गई है, स्टेडी हो गई है, साम्य हो गई है। ये बताने का काम किसने किया है, ये बताने का काम हमारे हरमन बॉन्डी ने स्टेडी स्टेट थ्योरी में कहा है। हालांकि ये भी जो है काफ़ी चैलेंजिंग है कि यदि अगर ऐसा होता रहेगा तो नंबर ऑफ जो गैलेक्सीज हैं वो तो बढ़ती चली जाएंगी, तो इसका भी आंसर दिया गया है इन साइंटिस्ट के द्वारा। ये कहा गया है कि ऐसा होने में पुरानी गैलेक्सीज जो है वो डिस्ट्रॉय होती रहती हैं और नई गैलेक्सीज का निर्माण होता रहता है, इसलिए जो हमारा ये घनत्व जो है वो स्थिर रहता है। ये ठीक उसी प्रकार से है, व्यक्ति जो है वो मरता है, पैदा होता है, मरता है, पैदा होता है, इससे जनसंख्या बढ़ती है, घटती है, बढ़ती है, घटती है, ऑलमोस्ट फिर कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ पर इसी तरीके की थ्योरीज को यहाँ पर थोड़ा ध्यान दे करके बताया गया है स्टेडी स्टेट थ्योरी में, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, ये दिस थ्योरी इज गिवन बाई हरमन बॉन्डी एंड देयर वर टू अदर साइंटिस्ट, दैट वॉज थॉमस गोल्ड एंड फ्रेड होयल। और इसके बारे में आप क्या लिख सकते हैं, इसके बारे में एक छोटा सा पॉइंट लिख सकते हैं, यूनिवर्स इज मेंटेनिंग इट्स एवरेज डेंसिटी, ठीक है। यूनिवर्स जो है वो इसका औसत घनत्व जो है वो बना करके रखता है, इसको डिस्टर्ब वो नहीं करता है। अगर वो डिस्टर्ब करेगा तो यूनिवर्स में कई सारे क्रिटिकल चेंजेस आएंगे जिससे संभव है कि कुछ ना कुछ मात्रा में विनाश होगा। तो ये तो हमने पढ़ ली 5 थ्योरीज जो लगातार ब्रह्मांड के उत्सर्जन से और उसमें होने वाले जो विशेष प्रकार की जो गतियां हैं उनसे संबंधित थी। अब जो हम थ्योरी पढ़ने वाले हैं वो हमारे कहीं ना कहीं सोलर सिस्टम से है, मैच करती है, और वो भी हमारे कह सकते हैं कि यूनिवर्स से रिलेटेड काफ़ी अच्छे पॉइंट में से एक है। और आप में से बहुत सारे लोग जो साइंस के स्टूडेंट होंगे उन्हें इस थ्योरी के बारे में मालूम भी होगा। तो इन शॉर्ट हम उसी के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं फटाफट से, और वो डिस्कशन क्या है जरा देखते हैं, उस डिस्कशन के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट डिस्कशन है हमारा कैपलर्स लॉ में, आगे हेडिंग डाल देंगे कैपलर्स, KPLER कैपलर्स लॉ। और आपसे यदि अगर मैं पूछूं बेटा कैपलर्स लॉ जो है वो किससे रिलेटेड है, तो आप तुरंत बता सकते हैं कि कैपलर्स लॉ जो है वो प्लैनेटरी मूवमेंट से रिलेटेड है। जो हमारे प्लैनेट्स जो हैं, जो जिनको हम कह सकते हैं ग्रह जो हैं, ग्रहों की गतियों से संबंधित ये थ्योरी ऑफ कह सकते हैं कैपलर्स लॉ जो है वो इस पर काम करते हैं। और कैपलर्स के प्लैनेटरी लॉ ऑफ मोशन जो हैं उनकी संख्या 3 है। यहाँ पर आपसे कभी पूछा जा सकता है कि कैपलर्स के लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन की संख्या कितनी है, ग्रहों की गति से संबंधित जो नियम कैपलर ने दिए हैं वो नियमों की संख्या कितनी है। तो सर ये नियमों की संख्या कितनी है भैया, 3 है, 3 नियम है, और बहुत साधारण से सिंपल से नियम है। यदि अगर समझ में ना आए तो आप मुझे बताइएगा, मैं इसको फर्दर किसी क्लास में फिर से डिस्कशन कर दूंगा या लाइव क्लास में मैं आपके लिए फिर से डिस्कस कर दूंगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो एक बार मुझे बताइएगा, जब नेक्स्ट ज्योग्राफी की क्लास लाइव होगी तो हम इसको फिर से बता देंगे। फिलहाल अभी आप इसमें समझिए, कैपलर का जो पहला नियम है, फर्स्ट लॉ जो है, इसको लॉ ऑफ इलिप्स बोला जाता है, लॉ ऑफ इलिप्स। यानी कि देखिए इलिप्स क्या होता है, इसको जरा समझते हैं। एक होता है सर्कल। सर्कल यानी कि ये मैंने बना दिया वृत्त, सर्कल बना दिया, और इसका एक ही सेंटर होता है, एक ही सेंटर होता है, सर्कल में दूसरा सेंटर नहीं होता है, ठीक है, एक ही सेंटर होता है। लेकिन जब हम इलिप्स बनाते हैं तो ये एक ऐसा स्फेरिकल कह सकते हैं शेप होता है जिसमें 2 सेंटर होते हैं, समथिंग लाइक दिस, ये इस तरीके का इलिप्स होता है और इसके 2 सेंटर होते हैं, ठीक है, ऐसे आप मान सकते हैं। इसके कितने सेंटर होते हैं, 2 सेंटर होते हैं, और इन दोनों सेंटर को फोकस या फोकाई के रूप में जाना जाता है, दीज आर द फोकसेस ऑफ दिस इलिप्स। अब आप में से कोई सोचे कि सेंटर इसका कहां होगा तो आप यहां पे बना देंगे, तो ये गलत है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। और इसी चीज को ध्यान में रख करके आगे के हम जो ये नियम है कैपलर के, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला नियम इलिप्स का जो है वो यही है। कैपलर बताते हैं कि जो प्लैनेट्स का जो मूवमेंट है, जैसे मैंने आप लोगों को जब हेलियोसेंट्रिक थ्योरी बताई, तो
तो उसमें बताया गया था कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर काट रही है, बट देयर वॉज अ मिस्टेक दैट थ्योरी वॉज एक्सप्लेन्ड दैट द सन दैट अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन अ सर्कुलाइड पाथ, बट एलिप्स लॉ ऑफ एलिप्स ऑफ केपलर इज सेइंग दैट द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इज दिस फैक्ट बट नॉट इन सर्कुलाइड मोशन बट इन एलिप्टिकल मोशन. तो यही चीज यहां पर हमें देखनी है वो किस प्रकार से करती है. पहला लॉ यहां पर मैं बना दे रहा हूं. मान लेते हैं कि ये सन है, सपोज दैट ये सन है और सन के चारों ओर चक्कर लगाना है. किसे चक्कर लगाना है? इसे चक्कर लगाना है पृथ्वी को. सपोज दैट कोई भी प्लेनेट ले लेते हैं, तो जो भी प्लेनेट चक्कर लगाएगा सूर्य के चारों ओर, तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले जो प्लेनेट्स होंगे वो इस पाथ का निर्माण करेंगे, कुछ ना कुछ इस प्रकार के पाथ का निर्माण करेंगे. अब जो सन है वो इसके सेंटर में नहीं है, ये चीज आपको ध्यान करना है. सन इसके सेंटर पे नहीं है, सन इसके किसी एक फोकस पर है, मान लेते हैं यहां पर है, एक तरफ है. इससे एक चीज आपको समझ जानी चाहिए कि व्हेनेवर कोई भी प्लेनेट, अगर कोई भी प्लेनेट है, मान लेते हैं अर्थ है, अगर अर्थ नाम का प्लेनेट सन के चारों ओर अगर रिवॉल्व करेगा तो एक कंडीशन बनेगी कि एक कंडीशन में अर्थ और सन के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस होगी और एक कंडीशन में सन और अर्थ के बीच में मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगी. तो ये चीज आपको लॉ ऑफ इलिप्स में समझ में आनी चाहिए कि ऑल द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन एंड सन इज एट द सेंटर ऑफ दैट इलिप इन विच दीज प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन. तो ये आपको समझ में आना चाहिए. लॉ ऑफ इलिप्स क्या कहता है? प्रत्येक ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में, इसको दीर्घवृत्त बोलते हैं इलिप्स को, ठीक है, दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगा रहे हैं और सूर्य इस दीर्घ वृत्ताकार मार्ग के किसी एक सेंटर पर स्थित है, किसी एक फोकस पर स्थित है, ठीक है, किसी एक फोकस पर स्थित है. तो ये बात आपको सबको समझ में आ गई होगी. और इससे क्या कह सकते हैं कि रिजल्ट निकलता है, वो रिजल्ट यही है कि एक बार प्लैनेट सन के पास में आ जाएगा, एक बार दूर जाए. अब यहीं पे एक और क्वेश्चन मैं क्लियर कर देता हूं. जब भी कोई प्लैनेट सन के पास आता है तो इसे हिंदी में बोलते हैं उपसौर. क्या बोलते हैं इसे? उपसौर. इंग्लिश में बोलेंगे पेरिहेलियन. पेरिहेलियन, पेरी का मतलब पास और हेलियन मतलब सन से, तो सन से पास है तो पेरिहेलियन. और एपिहेलियन बोलेंगे या एपहेलियन बोलेंगे? एपहेलियन बोलेंगे. इसे बोलेंगे अपसौर. अप का मतलब ही होता है दूर और सौर मतलब सूर्य से. तो एपहेलियन इस अवस्था को कहा जाएगा और पेरिहेलियन इस अवस्था को कहा जाएगा. आई थिंक ये आपको बात समझ में आ गई होगी. तो यही है इसका पहला लॉ, केपलर का प्रथम नियम. अगर आपसे पूछा जाए तो इट्स वेरी सिंपल दैट ऑल प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल पाथ एंड सन इज एट एनी ऑफ द फोकस ऑफ दैट एलिप्ट. ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है. दूसरे लॉ की तरफ चलते हैं, सेकेंड लॉ की तरफ. इनका सेकेंड लॉ क्या है? इनका सेकेंड लॉ क्या है इसकी ओर जरा चलते हैं और यहां पर देखते हैं क्या बात आती है. इनके सेकेंड लॉ को लॉ ऑफ एरिया बोला जाता है. लॉ ऑफ एरिया, क्षेत्रफल का नियम बोला जाता है. और इसको दो नियमों के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे, इसको दो नियमों में डिवाइड करके हम लोग पढ़ेंगे. वो दो नियम कौन कौन से हैं जरा उस पर जरा गौर करते हैं. अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि ऑल द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल पाथ एज सेज इन सेज बाय केपलर इन इट्स फर्स्ट लॉ. तो यहां पर हम इसको फिर से बनाते हैं. यहां पर मान लेते हैं कि ये सन है, यहां पर मान लेते हैं सन है और कोई भी प्लैनेट है जो इसके चारों ओर इस तरीके से चक्कर लगा रहा है. कोई भी प्लैनेट है जो इसके चारों ओर इस तरीके से चक्कर लगा रहा है. मान लेते हैं अर्थ ही है और कोई दूसरा प्लैनेट नहीं है, अर्थ है, सॉरी सन है ये तो, और कोई अर्थ नाम का प्लैनेट है जो सन के चारों ओर चक्कर लगा रहा है. अब जरा देखिए यहां पर एक बात तो ये बताई गई है कि जब कोई प्लैनेट सूर्य से ज्यादा दूर होगा, ज्यादा दूर यानी कि मैक्सिमम डिस्टेंस पर होगा, यानी कि एपिहेलियन कंडीशन में जब होगा और जब ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा होगा, तो मान लेते हैं किसी ए प्लेस से कुछ समय में यहां पे से अर्थ घूम करके यहां पर आ गई, अर्थ की पोजीशन ए से पोजीशन बी में आ गई अर्थ, तो इसने ए से बी तक कोई डिस्टेंस तय किया ना, यहां से यहां तक कोई ना कोई तो डिस्टेंस तय किया उसने यहां से यहां तक. तो जो ये डिस्टेंस तय किया, मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस d1 है और इस डिस्टेंस को कवर करने में कुछ समय भी लगा होगा. ध्यान से सुनिएगा, इसको कवर करने में कुछ समय भी लगा होगा. लेट्स इमेजिन दैट टाइम इज टी. ये टाइम टी है, ये कोई कांस्टेंट टाइम टी है. इस कांस्टेंट टाइम टी में अर्थ मूव्स फ्रॉम एपिहेलियन स्टेज फ्रॉम ए टू बी एंड कवर्स द डिस्टेंस d1, राइट? ये बात सबको समझ में आ गया, यानी टी समय में d1 डिस्टेंस तय किया गया. अब इसी प्लैनेट को मान लेते हैं, अब ये प्लैनेट यहां पर पेरिहेलियन स्टेज में आ गया, कुछ समय बाद पृथ्वी घूम के यहां आ जाएगी ना. और अब इस जब पैरेलल स्टेज में आई और पृथ्वी यहां पर पी पॉइंट है, कोई ये पॉइंट पी है जहां से पृथ्वी चलना शुरू कर रही है, और इतने ही समय टी तक इसको चलाया जाए, इसी मार्ग में चलाया जाए,
तो ये पृथ्वी ऐसे मूव करते हुए यहां तक आ जाएगी, ठीक है। और ये मान लेते हैं कोई पॉइंट है Q, तो इसके द्वारा जो कवर डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या होगा, इसको हम D2 मान लेते हैं। देन नाउ द डिस्टेंस कवर्ड बाई अर्थ इन द सेम टाइम T फ्रॉम द पेरिहेलियन स्टेज, दैट इज D2, एंड व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन D1 एंड D2, दैट D1 इज लेसर देन D2 और D2 इज ग्रेटर देन D1, वेयर एज द रेडियस बिटवीन सन एंड अर्थ इज लार्जर in this stage and it covers the lower distance, whereas the minimum distance between sun and earth and it covers the larger distance. अब देखो इसी चीज को आपको समझना है यहां पर कि at a constant time t, d1 is less than d2. ये बात आपको समझ जानी चाहिए। ये तो हो गया एक पॉइंट, ये हो गया एक पॉइंट, ठीक है। लेकिन इस डिस्टेंस के द्वारा कवर, अब देखिए ये पॉइंट जिसको इसको ना समझ में आए मुझसे फिर से पूछ लेना, बिल्कुल सिंपल सी बात बताइए। जब भी कोई प्लेनेट सूर्य से दूर होगा उसके द्वारा कवर किया गया डिस्टेंस और उतने ही समय में पास से कवर किया गया डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, बात ये आपको ध्यान रखनी है। D1 always is less than D2. D1 क्या है, जब एपीहेलियन से चल रहे थे, D2 क्या है, पेरिहेलियन से जब चल रहे थे तब की स्टेज है। इसका मतलब जब भी कोई प्लेनेट जो है मूव करता होगा तो कैसे मूव करता होगा, जब भी कोई प्लैनेट मूव करता होगा तो ये प्लैनेट मूव कैसे करता होगा ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं यहां पर इसी समय। देखिए देखिए इस तरीके से मेरे हाथ के मूवमेंट को देखिएगा, ये सन है, ये अर्थ है, ये अर्थ अगर इस तरीके से मूव कर रही है तो ये ऐसे ऐसे मूव कर रही होगी, ऐसे ऐसे मूव कर रही होगी। आपने क्या देखा, क्या ऑब्जर्व किया यहां पर कि जब मेरा हाथ यहां पर है तो मूवमेंट धीरे धीरे हो रहा है और जैसे जैसे पास में आता है तो मूवमेंट तेजी से आता है, यानी कि ज्यादा तेजी से हो जाता है, इसीलिए यहां पर डिस्टेंस जो है वो ज्यादा बढ़ जा रहा है, समय वही है लेकिन डिस्टेंस बढ़ जा रहा है। ये हो गई एक बात, पहला पॉइंट यहां पर आपको समझ में आ गया कि एट द कांस्टेंट टाइम टी डी वन इज लेस देन डी टू, ये बात आपको यहां पर समझ में आ गई। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ही वास्तविक रूप में लॉ ऑफ एरिया कहलाता है। अब जो डिस्टेंस डी वन कवर किया गया है, इस डी वन डिस्टेंस के द्वारा सन के सापेक्ष कवर्ड जो एरिया है दैट वुड बी लाइक दिस, ये एरिया कवर्ड किया, कवर किया जाएगा, ये एरिया मान लेते हैं ए वन है जो कवर हो रहा है और d2 डिस्टेंस के द्वारा जो एरिया कवर हो रहा है दैट विल बी लाइक दिस। अगर ये होगा तो इसका एरिया मान लेते हैं ये a2 है, ये एरिया a2 है। अब आपको एरिया a1 और एरिया a2 में क्या रिलेशन दिख रहा है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एरिया a1 एंड एरिया a2 एट द कांस्टेंट टाइम t। तो एरिया A1 A2 में आपको वैसे हो सकता है लगने में, देखने में लग रहा हो A1 इज ग्रेटर देन A2, लेकिन ऐसा है नहीं, यहाँ पर हम एरिया की बात कर रहे हैं। तो एरिया A1 इक्वल्स टू A2, हमेशा एरिया इक्वल रहेगा चाहे डिस्टेंस भले अलग अलग हो जाए, कांस्टेंट टाइम पे कांस्टेंट एरिया तय किया जाएगा, फिक्स टाइम पे फिक्स एरिया कवर किया जाएगा। अगर कोई प्लैनेट यहां से लेकर के यहां तक का मूवमेंट कर रहा है और उसके द्वारा डिस्टेंस D3 क्लियर किया जा रहा है तो डी, तो यहां पर भी यहां पर जो कवर्ड एरिया होगा, यहां पर जो कवर्ड एरिया होगा ये A3 हो जाएगा, तो A1 is equals to A2 is equals to A3 हो जाएगा। ये बात सेकंड लॉ में कही गई है, किसके, कैपलर के सेकंड लॉ में यही बात कही गई है, ठीक है। इसका मतलब सबको समझ में आ गया, हाँ या नहीं। अब थर्ड लॉ की तरफ चलते हैं। थर्ड लॉ जो है कैपलर का, इसको हम लोग बोलते हैं, थर्ड लॉ जो है इसको बोलते हैं लॉ ऑफ हारमोनीज, लॉ ऑफ हार्मोनीज, ठीक है। यानी कि यहां पर हम रिलेशनशिप देखेंगे, रिलेशन देखेंगे, संबंध देखेंगे किसके किसके बीच में। फिर से इसको मैं यहां पर एक पॉइंट बताना चाहता हूं, दूसरे पेन का यूज कर लेता हूं। मान लेते हैं, अब देखो जब ये प्लैनेट यहां पे था तो इसके द्वारा कवर्ड जो डिस्टेंस है वो ये है, यानी इसको हम रेडियस मान सकते हैं, मान लेते हैं दिस इज आर वन। जब ये प्लैनेट यहां पे आ गया तो डिस्टेंस देखिए चेंज हो गया, आर टू हो गया। जब ये प्लैनेट यहां पे आ गया फिर से देखिए डिस्टेंस चेंज हो गया बिटवीन द प्लैनेट एंड सन, ठीक है। ये डिस्टेंस फिर चल गया, मान लेते हैं आर थ्री है, ये आर फोर है, आर फाइव है, आर सिक्स है। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे प्लैनेट सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है हर बार उसका रेडियस क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। तो ऐसे में हम इसका कोई कॉन्स्टेंट रेडियस नहीं निकाल सकते हैं, हम इसका एवरेज रेडियस निकाल सकते हैं। हम कह सकते हैं कि मान लेते हैं कि इस चक्कर में घूमते हुए प्लैनेट जो है सन के चारों ओर, इसका एवरेज रेडियस, एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सन जो है वो कोई रेडियस मान लेते हैं आर है। सपोज दैट अगर ये रेडियस आर है, डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड सन, कहीं पर भी प्लैनेट और सन के बीच में कोई रेडियस हम मान लेते हैं कॉमनली क्या है वो डिस्टेंस जो है वो आर है। यदि अगर ये डिस्टेंस आर है तो अब ये प्लैनेट यहां से चलना शुरू किया तो आपको एक बात तो समझ में आएगी कि मैंने ये आर क्या है, आर क्या है, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट है।
अब दूसरी बात मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि अगर ये प्लेनेट इस पॉइंट से चलना शुरू करता है और ऐसे घूमते हुए पूरा सूर्य के चारों ओर फिर वापस इसी पॉइंट पे आ जाता है, कितने चक्कर पूरे किए उसने? एक चक्कर पूरा किया। एक चक्कर जब पूरा किया इसने पूरा, तो ये इस एक चक्कर को पूरा करने में, एक राउंड, एक पूरे के पूरे टर्न को कवर करने में कुछ तो समय लिया होगा। तो जब इसने कुछ जो समय लिया है, वो कुछ समय क्या है? वो कुछ समय मान लेते हैं टी है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल पीरियड। ऑर्बिटल पीरियड इज अ टाइम टेकन बाय द प्लैनेट टू कवर अ वन सर्कल या वन राउंड अराउंड द सन। ठीक है, एक सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगता है सूर्य को, पृथ्वी को, उसको बोलते हैं हम लोग, पृथ्वी को या किसी प्लैनेट को, उसको बोलते हैं ऑर्बिटल टाइम। तो हियर इज द टू थिंग्स, दीज आर आर एंड टी। आर इज अ कॉमन डिस्टेंस या एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट, एंड टी इज द ऑर्बिटल टाइम टेकन बाई दैट प्लैनेट अराउंड द सन। एंड द थर्ड लॉ ऑफ हार्मोनीज ऑफ दिस कैपलर, दैट इज रिलेशन बिटवीन आर एंड टी। आर और टी का रिलेशन क्या है, ये ही शो करता है यहां पर। देखिए, आर और टी का संबंध क्या है, ये किस में बताया गया है? थर्ड लॉ में बताया गया है। और आर और टी का रिलेशन कुछ इस प्रकार का है, टी स्क्वायर, इट मीन्स द टाइम, द स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ, सन एंड द प्लैनेट। तो आपको यहां पर एक बात पता चल गई, आर क्यूब इज इक्वल टू टी स्क्वायर, या इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। और आप प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे तो यहां पर प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आएगा, उसको लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम साइंस नहीं पढ़ रहे हैं, कॉमनली चीज पढ़ रहे हैं। अगर आप इसको इक्वल भी मान लीजिए तो आपको क्या समझ में आया, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। इसका मतलब यदि किसी प्लैनेट और सन के बीच में, रेडियस को उसके क्यूब के साथ बढ़ाया जाए, तो उसका जो टाइम है, उसका जो ऑर्बिटल टाइम है, वो स्क्वायर के साथ बढ़ जाएगा। इट मींस इसका कॉमन आंसर ये निकला कि कोई भी प्लैनेट जैसे जैसे सूर्य से दूर होता जाएगा, वैसे वैसे उसका ऑर्बिटल टाइम भी बढ़ता जाएगा। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। इट मींस द ऑर्बिटल टाइम ऑफ अर्थ इज स्मॉलर देन टू दैट ऑफ जुपिटर और एनी अदर प्लैनेट्स विच आर फार फ्रॉम द अर्थ। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कोई भी प्लैनेट जो सन के पास है, उसका ऑर्बिटल टाइम अन्य प्लैनेट्स के ऑर्बिटल टाइम से कम होगा। जैसे बुध की बात करते हैं तो इसका ऑर्बिटल टाइम पृथ्वी से कम है, शुक्र की बात करते हैं तो पृथ्वी से कम है, मंगल की बात करते हैं तो पृथ्वी से ज्यादा है, बृहस्पति की बात करते हैं तो पृथ्वी से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इनका जो रेडियस है वो ज्यादा जो है बढ़ता चला जाता है। सो अब हम यहाँ पर अपनी बात को समाप्त करते हैं। ये तीन जो नियम है कैपलर के, वो हमने पढ़े, इसके अलावा दो हमने आपको थ्योरीज और पढ़ाई, यही सारी चीज़ें हम लोगों को कल के चैप्टर में पढ़नी थी। अगर इनमें में से कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, आपको लगता है कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आई है, हमको पॉइंट नहीं समझ में आए, प्लीज़ डू कमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। और या फिर जब हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे, जब हम मंडे को फिर से नेक्स्ट क्लास में ये ज्योग्राफी की नेक्स्ट सीरीज लेकर के आएंगे, तो वहां पर इसको एक बार हम फिर से डिस्कस कर लेंगे, जिससे कि अगर किसी की कोई प्रॉब्लम हो तो आप लाइव सेशन में हमसे पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया है तो जबरदस्त तरीके से आप इसे लाइक करिए, हर एक बच्चे को इसमें लाइक करना है। और लाइक करने के साथ सभी से रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट एक लोगों के पास आप इसे जरूर शेयर करें। हम नंबर ऑफ कैंडिडेट यहां पर थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं, आपकी तरफ से सहयोग होगा तभी वो बच्चे बढ़ पाएंगे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे अहेड।